टू माई चैनल तो अब हम आज देखेंगे थर्टी दिसंबर के द हिंदू में तो पहला हमारा यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है रिमोट ई वी एम रेडी टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है तो क्या है ये आर वी एम ये देखेंगे ये एक मशीन है जो अलाउ करेगा माइग्रेंट वोटर्स को ठीक है जो आउटसाइड हैं अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करने के लिए उनको करंट रेजिडेंस पे ठीक है तो ये चीज़ उनको है कि करंट रेजिडेंस जहाँ वो है वहाँ से वोट वो कर सकते हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ने हाजरे को क्या किया अनाउंस किया डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप मल्टी कॉन्स्टिट्यूवेंसीज रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर बी एम टू इनेबल रिमोट वोटिंग बाई माइग्रेंट वर्कर माइग्रेंट वोटर्स मतलब जो वहाँ पर नहीं है जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका वोटर आई डी बना है फिर भी वो वोट कर सकते हैं ठीक है ई सी इनवाइट ऑल रिकगनाइज पोलिटिकल पार्टीज एट नेशनल एंड फिफ्टी एट इस्टेट पार्टीज टू डेमॉन्स्ट्रेट द प्रोटोटाइप जनवरी सिक्सटीन तो मतलब आप ये जान लो इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है आर के बारे में तो यही है कि ये अलाउ करता है ठीक है माइग्रेंट वोटर्स को कि वो वोट कर सकते हैं अपने करंट रेजिडेंस से द रिमोट वोटर मस्ट रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑफलाइन विद द प्री नोटिफाइड टाइम बिफोर द इलेक्शन तो मतलब वो वहाँ पे नोटिफाई होने चाहिए और आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन एट द होम कॉन्स्टिट्यूएंसी द वोट विल बी अप्रूव्ड एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उनको अप्रूव कर दिया जाएगा ठीक है बोथ हाँ बूथ्स विल भी सेट अप नियर द करंट होम और जो बूथ है वो सेट हो उनके करंट होम के पास इन एन आर वी एम अ सिंगल बैलेट यूनिट कैन कैटर टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज अ सिंगल पोलिंग स्टेशन बाई यूजिंग डायनामिक बैलेट डिस्प्ले इंस्टीड ऑफ यूजबल प्रिंटेड बैलेट पेपर शीट तो मतलब यही कहा जा रहा है कि एक सिंगल पोलिंग स्टेशन से भी मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो वहाँ पे आ, मतलब वोटिंग की सिस्टम वहाँ पे हो पाएगी तो ये नई चीज़ आई है ठीक है इससे मेंस, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए हमको जान लेना है कि आर क्या है ठीक है अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो न्यूज में तो देखी होगी आप सबने फार्मा फर्म फेसिस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप तो कफ सिरप की वजह से डेथ हुई है ठीक है बच्चों की उसकी वजह से ये न्यूज है इसमें है, उत्तर प्रदेश ड्रग कंट्रोल एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सी डी वन मिनट सी डी एस आर इन्वेस्टिगेटिंग मैरियन बायोटेक आफ्टर उज्बेकिस्तान लिंक टू डेथ ऑफ़ एटीन चिल्ड्रन तो अट्ठारह चिल्ड्रन्स की डेथ हुई है कंटामिनेटेड कफ सिरप जो भी बना है नोएडा बेस्ड फर्म यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने यह चीज़ बताई है कि हाँ उस पर क्या हो रही है इंक्वायरी हो रही है जो नोएडा बेस्ड फर्म है जहाँ पर यह कफ सिरप बना वहाँ पर ठीक है सैंपल ऑफ द सिरप हैव बिन सेंड टू द रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी इन चंडीगढ़ फॉर फर्दर टेस्टिंग मिस्टर मांडविया से तो उसको भेज दिया गया है फर्दर टेस्टिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पढ़नी हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि कि जो ये कब सिर्फ था कि इसलिए वो लोग अडल्ट्रेशन मतलब किस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं टाइम हार्मफुल होता है तो उसके लिए यहाँ पे है ठीक है फिर हम आगे देखेंगे आगे आ जाएंगे यहाँ पे एक देखो न्यूज़ आया हुआ है कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट गेट सेंटर नॉट ठीक है तो कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है उसको सेंटर आ, सेंटर की ठीक है सेंटर नाट मिल चुका है उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेंटर फॉर थर्सडे एक्सेप्टेड डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डी पी आर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिकेड ओल्ड कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन इंटर स्टेट महादई रिवर बेसिन पे तो इसको क्या कर लिया है जो ये प्रोजेक्ट है उसको एक क्या मिल चुका है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो डिकेड ओल्ड कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है इंटर स्टेट की इस पर सेंटर ने एक्सेप्ट कर लिया है जो इसका डी है उसको ठीक है डी का फुल फॉर्म क्या है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बीजेपी पोल अब ये बात किसकी हो रही है करना ये सॉरी तो ये कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है वाइल्ड सेंटर वाटर कमीशन हैज़ अप्रूव द डी पी आर द इम्प्लीमेंटेशन इज नाउ सब्जेक्ट टू अदर मंडेटरी अप्रूव इंक्लूडिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी देखेगी उसमें उसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉरेस्ट क्लियरेंस और फाइनल जजमेंट जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो ठीक है यहाँ पे है द अप्रूवल ऑफ हाइड्रो हाइड्रोलॉजी एंड इंटर स्टेट एस्पेक्ट एज पर द गाइडेंस ऑफ सी डब्ल्यू सी इज सी डब्ल्यू सी क्या है सेंट्रल वाटर कमीशन ठीक है इज सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ रिपेरियन स्टेट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका तो बात इसमें क्या हो रही है महाराष्ट्र कर्नाटका एंड गोवा तो यहाँ पे बात महाराष्ट्र और कर्नाटका को लेके हो रही है ठीक है वाटर डिस्प्यूट का ये भी मामला है ठीक है ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है कालसा बंदूरी की तो ये चीज़ हमको देखनी है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे देखेंगे एक यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये आया हुआ है लिवरेजिंग वाइज टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड तो वाइज टेक्नोलॉजी की यहाँ बात कर की जा रही है तो हमको इससे रिलेटेड पढ़ना है वॉइस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेंस में पूछा जा सकता है तो ये हम देखेंगे इसमें है बैंक एंड साइबर फ्रॉड इन इंडिया ऑन राइज ठीक है तो बैंक तो आप देख रहे हो कि बैंक फ्रॉड और साइबर फ्रॉड बहुत सारा होता है अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने अगर किसी आ, देखा होगा कि कई बार आपके व्हाट्सएप पे ऐसे आता है कि कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आप इतना रुपए जीत गए हो ठीक है वहाँ पे आपको कुछ भेजेंगे कि आप पच्चीस लाख रुपए जीत गए हो सब तो इस टाइप के फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं और फिर वो आपसे कहेंगे कि हमें कुछ पैसे दो फिर हम आपको पूरा ट्रांसफ़र करेंगे ये टैक्स लग रहा है आपका जीएसटी लग रहा है तो ऐसी सारी चीज़ें फ्रॉड देखने को मिलती हैं तो ये बैंक फ्रॉड और साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ठीक है अकॉर्डिंग टू डेटा बाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड हैव कॉज द कंट्री ऑन एस्टिमेटेड हंड्रेड करोड़ अ डे ओवर लास्ट सेवन ईयर्स तो मतलब फ्रॉड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अमाउंट से भी जान सकते हो पर हाँ कभी भी हमें जो भी हमारा मेन आंसर राइटिंग होगा तो उसमें आपको अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है बस आप इस्टीमेट बता सकते हो कि किस लेवल का ये चल रहा है द मेन रीज़न फॉर द राइज एंड फ्रॉड इंक्लूड क्या क्या मेन रीजनस हैं ठीक है थीके? जो ये फ्रॉड हो रहे हैं इसमें है ग्रेटर यूज़ ऑफ़ डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं टेलीफोन बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है हम लोग यूज़ करते हैं फ़ोन पे पेटीएम ये सारी चीज़ें एंड ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम भी है ठीक है ग्रोइंग फ्रॉड ऑल्सो मीन सिंगल मीन्स राइजिंग लॉसेज फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंक्रीजिंग केस फॉर लॉ इन्फोर्समेंट टू सॉल्व तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में टाइम भी जा रहा है बहुत सारे पेंडिंग केसेस भी होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही हैं अब देखो एक इमरजिंग टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम यहाँ पे है वॉइस टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की जा रही है ऑन द वे टू रिड्यूज लॉसेज इज़ बाई अडोप्टिंग वाइस टेक्नोलॉजी विच इनकम पासिस वाइस बायोमेट्रिक और वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन ठीक है तो वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन की बात यहाँ पे की जा रही है जो ये टेक्नोलॉजी होगी स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी अब इसमें है ग्लोबल अडोपशन ऑफ जैसे स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो इसमें क्या एक इंक्रीज़ देखा गया बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें है दीज मैथ आर कंबर्ट सम नॉट इंटायरली सिक्योर एंड वनरेबल टू डी फिट तो इंटायरली तो नहीं सिक्योर है ठीक है क्योंकि डी फेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ देखने को मिलती है विद बैंक एंड एस्टेब्लिशमेंट लुकिंग फॉर वेज टू रिड्यूस फ्रॉड एंड थेफ्ट रिस्क वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इज थ्रू द यूज ऑफ वॉइस बायोमेट्रिक तो ये कहा जा रहा है कि कई हद तक ठीक है वॉइस बायोमेट्रिक जो होगा ये इसका अल्टरनेटिव है ये यूज़ करना बेटर होगा ठीक है इसमें क्या होगा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन वॉइस एज आइडेंटिफिकेशन यूज़ किया जाएगा ठीक है द टेक्नोलॉजी क्रिएटेड डिजिटल वॉइस प्रिंट एंड कंपेयर टू इट्स कॉल्स वॉइस तो कभी भी अगर ऐसा होता है कोई भी आ, मतलब गलत तरीके से यूज करना चाहेगा तो वॉइस प्रिंट होगा वो कंपेयर किया जाएगा कॉलर की वॉइस से तब ये सारी चीज़ें होगी जैसे फ़ोन पर कोई ट्रांसफ़र की बात होती है आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है ये सारी चीज़ें वॉइस ऑथेंटिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली सिक्योरिटी ओवर नॉलेज बेस ऑथेंटिकेशन मैथड विच फ्रॉडेस्टर हैव एक्सप्लाइटेड टू स्कैम पीपल कम्पेयर टू अदर बायोमेट्रिक वॉइस इज द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब बोल जा रही है कि कम्पेयर अदर ये चीज़ सही होगी शीपेस्ट होगी नॉट रिक्वायर आ रीडर आ स्पेशल डिवाइस कोई स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं है सस्ते में भी ये चीज़ें यूज की जा सकती हैं ये बात हो रही है नॉन इन्वेजिव है पोर्टेबल है एफोर्डेबल है ठीक है रिमोट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है अब इसमें है वॉइस बायोमेट्रिक्स कैन हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर हायर रिस्क लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़ तो इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या होगा जो ये वॉइस बायोमेट्रिक है वो हेल्प करेगा फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंश्योर करने के लिए कि हायर लेवल ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो दिया जा सकेगा कस्टमर को इम्प्लॉयज़ को उनको एक हाई लेवल की प्रोटेक्शन दी जा सकेगी इसके थ्रू ठीक है इन फेवरिरी 2019 नाइनटीन एच एस बी सी बीकेम द फर्स्ट बैंक टू टेक द रिवोल्यूशनरी लीप इन इंट्रोड्यूसिंग वॉइस रिकगनीशन फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर तो ये नाम याद रख सकते हो स्टेट पी वगैरह के लिए कि एच एस बी सी फर्स्ट बैंक बनी जिसने एक रिवोल्यूशनरी लीप लिया इंट्रोड्यूस किया वॉइस रिकग्निशन मोबाइल बैंकिंग कस्टमर कस्टमर्स के लिए टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड केसेस इससे जिससे फेल हो ओवर फिफ्टी परसेंट ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है इससे रिलेटेड तो ये याद रख सकते हैं एज अ फैक्ट कि एच एस बी सी फर्स्ट बैंक बनी ठीक है द वाइज बायोमेट्रिक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एक्सपोटेंशियली नाउ एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द मार्केट टू रीच मार्केट साइज फिर डेटा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है जस्ट फॉर द नॉलेज जान लो ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स तक ये बोला जाता है मार्केट साइज थ्री पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर होगी विच इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब देखो फाइव जी की भी बात यहाँ की गई बाई अडॉप्टिंग वी टी पुलिस इन इंडिया कैन स्टैंड फॉर गेन थ्रीमेंडियसली स्पेशली विद द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ फाइव जी ठीक है तो ये सारी चीजें हैं अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो वॉइस एज वॉइस हैज़ अ मच लोअर रेट मच लोअर एरर रेट तो बताया जा रहा है कि जो ये वॉइस है जो ये वॉइस टेक्नोलॉजी है उसमें मच लोअर एरर रेट है मतलब एरर रेट कम है एंड रिक्वायर नो आई कॉन्टैक्ट कि कोई आई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिसाइड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फ्रॉड गवर्नमेंट नीड टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर प्रॉपर कॉर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पुलिस टू इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट फ्रॉडिस एंड फ्रॉड डिटरेंट टू मेन्टेन एक्सटेंसिव डेटा बेस फॉर क्रिमिनल्स तो इससे क्रिमिनल्स को भी पकड़ा जा सकता है ठीक है उनके वो भी हेल्प होगा बी टी हैज एडवाटेज ऑफ इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस रेड्यूज ऑल हैंडल टाइम एंड कॉल सेंटर कॉज बिसाइड इंश्योरिंग हाई एक्सी हाई हाई एक्यूरेसी सॉरी हाई एक्यूरेसी अथेंटिकेशन इन सेकेंड मतलब इसमें एक्यूरेसी भी हाई है अथर, uh, इसकी हाई एक्यूरेसी है ठीक है इट इज़ हेस एबिलिटी टू रेजिस्ट प्लेबैक अटैक्स तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ों के लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं वॉइस के वॉइस कुड बी एक्सेलेंट टूल फॉर गवर्नमेंट ये बता, ये देखो ये चीज़ हम आंसर में लिख सकते हैं कि वॉइस कुड बी एक्सेलेंट टूल एक्सेलेंट टूल हो सकता है किस चीज़ के लिए गवर्नमेंट टू डिसबर्ड्स मनी फॉर वेरियस स्कीम बहुत सारी वेरियस स्कीम के लिए वो यूज़ कर सकते हैं इसको एंड वेरीफाई द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ पेंशनर फॉर फ्राम दियर होम तो बहुत सारी पेंशन स्कीम भी आती है उसे क्या कर सकते हैं वेरीफाई कर सकते हैं प्रूफ ऑफ लाइफ मतलब कि उनकी लाइफ जो है उसका प्रूफ ले सकते हैं पेंशनर का घर बैठे ही ठीक है why is biometric tech making wave in the world for fo uh, fraud protection by providing an extra layer of protection for data to extra layer of protection be military although technology is not yet perfect the potential benefits are significant once it is the place user establishment can uh, reap the benefits from the substantial reduction in fraud making the technology an essential feature in the security toolkit of the future तो मतलब ये बताया जा रहा है कि अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से परफेक्ट जो है हो गया है अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है ठीक uh, है इसेंशियल फीचर्स हैं जो इंक्लूड किया जा सकता है उसके बाद ये बेस्ट एक ऑप्शन हो सकता है uh, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अल्टरनेटिव के रूप में ठीक है ये हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अब देखो यहाँ पे टेस्ट कॉन्टेक्ट वाले पेज पर पे किया है ये इंपॉर्टेंट है द तो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रो कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर रो तो समरी में हम देख लेंगे कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे है द रेजिंग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट टू स्टेट्स डेज बैक टू री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अलॉन्ग लिंग्विस्टिक लाइन इन 1957 फिफ्टी सेवन आर विद द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज महाराष्ट्र डिमांड रिल अलाइनमेंट ऑफ बॉर्डर विद द कर्नाटका तो मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र ठीक है वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्योंकि वहाँ मराठी स्पीकिंग पीपल है महाराष्ट्र ये क्लेम करता है कि वो उसकी जगह है पर वो अभी किसके अंडर में आती है कर्नाटका के अंडर में कर्नाटका हैज़ ऑर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एरिया इन अब कर्नाटका के पास तो कर्नाटका और क्या क्लेम करती है कर्नाटका ऑर्ग्यू करती है कि जो कोल्हापुर है ठीक है सोलापुर है और सांगली कौन कौन सा एरिया कोल्हापुर सोलापुर इन सांगली डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है वो उसकी टेरिटरी डर है ऐसा कौन कह रहा है कर्नाटका कर्नाटका कह रही है जो सोलापुर है कोल्हापुर है सांगली है वो भले ही अभी महाराष्ट्र के अंदर में है पर वो क्लेम करती है कि वो उसकी टेरेटरी डर है ठीक है अ वॉर ऑफ वर्ड ब्रोक आउट बिटवीन बीजेपी लीडर्स इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ठीक है ओवर द बॉर्डर रो लास्ट मंथ आफ्टर सी एम राज बोमई सेट बीजेपी लेड गवर्नमेंट वॉ सीरियसली कंसिडरिंग लेंगा क्लेम ऑन जाट तलुक तो मतलब ये तो पॉलिटिकल है तो ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है एग्जाम में ठीक है कि बीजेपी लीडर्स या फिर कांग्रेस लीडर किसी की ये नहीं लिखना है जो हमारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो यहाँ से यहाँ तक है ठीक है तो ये याद रखना है यहाँ पे हमें ओके ठीक है तो हमें ये चीज़ यहाँ पे देखनी थी ये हो गया हमारा ठीक है अभी यहाँ कुछ कुछ कमीशन और ये सब भी बात की गई है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे एक प्लेस की भी बात की गई है ये भी याद रखना है ठीक है वो यहाँ पे एक बेला गवी इंक्लूज़न इन टू महाराष्ट्र तो बेला गवी की बात की जा रही है जो कि कर्नाटक के अंदर महाराष्ट्र कहती है वो उसकी एरिया है तो उससे भी रिलेटेड ये है ठीक है यहाँ पे देखो कुछ सेक्शंस बताए गए हैं सेक्शन ट्वेंटी वन टू बी ऑफ द एक्ट समिटिंग मेमोरेंडम यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ मराठी स्पीकिंग एरिया बीइंग इंक्लूडेड इन कर्नाटका तो मतलब वो मराठी स्पीकिंग है फिर भी कर्नाटका में ऐड है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें देखो स्टोरी में देखेंगे अगर हम वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी पर फिर भी हम देख लेते हैं बॉर्डर डाउन ऑफ यहाँ बात किसकी जा रही है बेलागावी की द बॉर्डर टाउन ऑफ बेलागावी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ कर्नाटका सिंस बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड अलॉग लिंग्विस्टिक लाइन अंडर द स्टेट रिकोगनीशन एक्ट 1956, बट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र इरप्ट एवरी नाउ एंड देन अब देखो क्या है कि बेलागवी जो है वो पार्ट ऑफ कर्नाटका रही पर हमेशा लिंग्विस्टिक लाइन पे या इस, या स्टेट रिकग्निशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये सारी चीज़ें की गई पर इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट जो कर्नाटका और महाराष्ट्र का रहता है तो ये हमेशा ये मुद्दा जो है वो बार बार उभर के सामने आता है डिकेड ओल्ड डिस्प्यूट फ्लेयर्ड अप अगेन इन ट्वेंटी ट्वेंटी वेन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बोमई सेट कर्नाटका गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग लें क्लेम जाट लुक इन महाराष्ट्र इ वोकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर्नाटकामसली पास द रिजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट दिस इंटरेस्ट एंड कॉल द डिस्प्यूट क्लोज चैप्टर ऑन डिसंबर ट्वेंटी सेवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाई पासिंगली टू लीगली परस्यू द इनक्लूजन फाइव मराठी स्पीकिंग विलेज फ्रॉम बेलागावी कारवार निपानी विदर भालकी अदर कर्नाटक एंड टू द स्टेट तो उन्होंने ये क्या किया इंक्लूज़न की बात यहाँ पे की तो ये डिस्प्यूट जो है वो है ठीक है कर्नाटक और महाराष्ट्र का तो ये हमें देखना था ठीक है तो हम नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ पे आ, आगे हम आएंगे अब यहाँ पे देखो एक आया है न्यूज़ ये तो सबने देखा होगा Uh, चाहे आप uh, कोई भी यूट्यूब uh, से चलाते होंगे uh, तभी देखा होगा आपने कोई किसी सोशल मीडिया साइट पे देखा होगा न्यूज़ में देखा होगा तो यहाँ पे है डिस्पाइट अब प्रॉड फाइट टेक्स ऑफ बी सी एस फाइल्स फाइल्स प्लेन्स अगेंस्ट एक्यूज पैसेंजर ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है डिस्पाइट स्कफल अब्रॉड फ्लाइट टेक ऑफ बी सी एस वाइल प्लेन अगेंस्ट एक्यूज पैसेंजर तो यहाँ पे हमें ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है बस हमको ये ध्यान देना बी सी एस के बारे में तो ये डिस्प्यूट हुआ आपको पता है कि आ, ये पैसेंजर ने एक दूसरे पे ठीक है आ, क्या हुआ था इसमें कि सीट बेल्ट के लिए या कुछ के लिए बोलती है वहाँ पे जो स्टाफ़ रहता है तो वो मना कर देता है लगाने से उसके बाद दो पीछे से कोई बोलता है कि क्यों नहीं सुन रहे हो तो दोनों में बहस हो जाती है तो आप इससे रिलेटेड ज़्यादा बेटर जानते होंगे क्या हुआ था तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें जो ये बी सी एस है उसके बारे में बात करते हैं क्या है ठीक है तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे ठीक है ये सारे तो उसके बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मतलब क्या स्टोरी थी उसी के बारे में बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स लैब डा को ट्रेवलर ऑन बोर्ड टू थाई स्माइल एयरक्राफ्ट एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि उसने आ, बहस हुई उन लोग में 20 times. टाइम्स दर इज नॉट एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स पुल्ड हिज हेयर एन पंच हेम तो ये सारी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से नहीं पढ़ना है हमको बस किसके बारे में पढ़ना है ये सब सीट नंबर number तक दे रखा है तो ये एक बस ऐसे ही है इसको नहीं एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है हमको बस ये पढ़ना है इसके बारे में हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर ये जो है बी सी ए एस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ठीक है क्या है यहाँ पे बाकी शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे तो ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की बात की जा रही है तो हमें इसके बारे में पढ़ना है ठीक है ये वर्ड आया है ये ये चीज़ें आई हैं इससे रिलेटेड तो हमें इसके बारे में पढ़ना है यहाँ पे क्या हुआ ठीक है वो हमें नहीं जानना है तो हम ये जानेंगे कि बी सी एस क्या है ठीक है और किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आता है किस तरीके से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एविएशन सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें पे इसको काम काम करना होता है तो इससे रिलेटेड ये आ, आ सकता है आपको ये अवेयर रहना है कि ये चीज़ क्या है क्या ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको ध्यान देनी थी ठीक है तो बस यही है एंड थैंक यू सो मच मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ ठीक है तो हाँ आई होप कि सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है